जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे क्रिकेट मैच वर्सेस लाइफ ऑफ एन इंडियन सोल्जर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होने भी वाला है, और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम आई तो उनका स्वागत बड़े धूमधाम से किया जा रहा, इतने इस लेवल पे स्वागत किया जा रहा था कि जिस लेवल पे उनका स्वागत पाकिस्तान में खुद नहीं होता है, उनको प्राइवेट जेट दिया जा रहा है। इन लोगों को पाकिस्तान में गधा नसीब नहीं होता, ये लोग प्राइवेट जेट इंडिया में इनको मिल रहा है। इनके खुद के प्राइम मिनिस्टर का जो जेट है वो रोक दिया जाता है रास्ते में कहीं पे भी, और इन लोगों को इंडिया में प्राइवेट जेट दिया जाता है। और इन्हीं के यहाँ, इन्हीं की कंट्री से कभी अनंतनाग में कुछ होता है, कभी यूरी होता है, कभी पुलवामा होता है, ये सब सारी चीज़ें होती रहती हैं। और फिर ये ओपनली हमें जो दुश्मन भी कहते हैं, और ये बहुत सारी बातें हैं। इनके खुद काफ़ी क्रिकेटर्स भी ऐसे रहे हैं, और इनका क्रिकेटर प्राइम मिनिस्टर जो रहा है वो खुद भी हमें जो दुश्मन बोलता है, फैसिस्ट, पता नहीं क्या क्या उसने बोला है। और नॉट ओनली दैट, इनके क्रिकेटर्स जो एक बार पहले तो यहाँ जब आते थे आईपीएल खेलने, थोड़ा पैसा वैसा मिल जाता, वापस जाके ये फिर से वही शुरू हो जाते थे, कश्मीर आग लगाते थे। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी पर कि ये भारत का जो पाकिस्तान के साथ ये जो क्रिकेट प्रेम का जो सिलसिला है ये क्या है। तो आज हमारे साथ हैं रिशित, एक बार फिर से। रिशित बाय प्रोफेशन इज अ लॉयर एंड अ पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड ए वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड जनरल नॉलेज इन जनरल। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रिकेट वर्सेस इंडियन सोल्जर्स। तो रिशित, ओवर टू यू। तो कैसा तुम्हें आप तुम्हारा क्या कहना है, मतलब अगर शुरुआत करने के लिए बात कही जाए तो तुम्हारा क्या कहना है, मतलब कि पहले तो डायरेक्ट ही व्यू ही तुम्हारा मैं लेना चाहूँगा कि ये जो ये लोग यहाँ पे आए हैं, what do you think about that? Thank you Pratik for having me on this show. पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अपना ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो काफी टाइम के बाद इंडिया में हो रहा है, इसमें लोग बहुत खुशियां जता रहे हैं कि अपना एक बाप अपने बेटे को पीटने जा रहा है उस अच्छा वही कि एवरीवन वांट्स टू सी इंडिया बीट पाकिस्तान, नॉट ओनली ऑल द इंडियंस एज वेल एज श्रीलंकन्स, बांग्लादेशीज, इवन ऑस्ट्रेलियंस एज वेल। ये एंड द मैच इज गोइंग टू बी होस्टेड इन नरेंद्र मोदी स्टेडियम विच इज इन अहमदाबाद इटसेल्फ। और जितना हम न्यूज़ में भी देख चुके हैं कि जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं उनका भी धूमधाम से स्वागत हुआ है। ए आर रहमान ने भी गाना, मतलब शो किया था, म्यूजिक शो किया था उसने भी, और उसके वो भी हुआ था, डांस शो भी हुआ था पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के वेलकम के लिए। और क्रिकेट के, मतलब क्रिकेट के मैच के लिए इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, बट एक्चुअली देयर इज नो एक्साइटमेंट इन अदर साइड ऑफ आवर कंट्री एज वेल। मतलब है कि अब जैसे कि अपने तीन सोल्जर्स, अपने तीन ऑफिसर्स ने अपने देश के लिए सैक्रिफाइस दिया था अनंतनाग में, जैसे मेरे फ्रेंड प्रतीक ने बोला था। जैसे था, हमारे तीन सोल्जर्स थे, वन वॉज कर्नल मनप्रीत सिंह, दूसरे थे मेजर आशीष धोनचक, तीसरे थे डीएसपी हुमायूं मुजामिल भट्ट, जिन्होंने अपने व्यूअर्स के लिए, मैं अपने व्यूअर्स के लिए बता देता हूँ गाइस कि रिशित आल्सो बिलोंग्स टू अ मिलिट्री फैमिली, सो आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सम सीरियस सेंटीमेंट्स इन्वॉल्वड हियर। ऑलराइट, गो अहेड रिशित, सॉरी। थैंक यू। ये इन तीन ऑफिसर्स ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी हमारे देश की रक्षा के, और मैं सेंटीमेंट समझ सकता हूँ उनके परिवार के, जिन्होंने अपने बेटों को, जिन्होंने अपने बाप को, जिन्होंने अपने पति को खोया है इन लड़ाई में देश की रक्षा के लिए। और मैं थोड़ा कहते हुए भी मेरे को बुरा लग रहा है कि एक क्रिकेट मैच हो रहा है और उन खिलाड़ियों का स्वागत किया जा रहा है, उन देश के खिलाड़ियों का स्वागत किया जा रहा है जिस देश ने आतंकवादी भेजे थे हमारे देश की ओर, हमारे देश की संविधान को चोट पहुंचाने के। हाँ, और ये बात तो मतलब इसमें, मतलब एक चीज और मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि मतलब ये जो स्वागत वागत तो चलो, मतलब ये आते हैं इंडिया में, ये बात मुझे समझ में आ जाती है भाई, आईसीसी का है, वर्ल्ड कप है, और वर्ल्ड कप इज़ एन इंटरनेशनल इवेंट, तो वहाँ पर बीसीसीआई कुछ कर नहीं सकता, यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए बात समझ में आती है। लेकिन ये जो
बुला बुला के इतना स्वागत और इतना करते हैं, एटलीस्ट स्वागत उतना ही रखिए जितना इनका स्वागत इनकी कंट्री में खुद होता है। आप जो इनका स्वागत जो इनकी कंट्री खुद नहीं करती इतना स्वागत इनका, आप उससे ज्यादा इनका स्वागत कर रहे हैं। इसी को कहते हैं कि किसी को जब जरूरत से ज्यादा मिल जाता है तो वो फुदकने लगता है। तो यही इनके साथ भी है, ये सबके सब वही हैं। ये अभी अल्टीमेटली जो है अभी ये जाएंगे और जाकर अंत में इनका सबका इनकी सबके ड्रामे शुरू हो जाएंगे। अभी जिस दिन ये इनका क्रिकेट मैच ये सब खत्म होता है तो उसके दो तीन दिन बाद इनका फिर से अभी आप लोग देखेंगे कि इन्हीं में से एक दो लोगों का जो है कश्मीर को लेकर फिर से अलाप आना शुरू हो जाएगा और कश्मीर 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 हमारा है, हम जज्बे वाली कौम हैं, ये सारी चीजें इनकी ये शुरू हो जाती हैं। तो ऋषित मुझे एक बात बताओ कि मतलब ये जो है तो फिर ये इतना ये प्रेम किस बात के लिए? मुझे अभी तक ये आज तक बात थोड़ा सा कभी समझ में मतलब मुझे थोड़ा कम आती आ रही है कि क्योंकि जब तक मैं था तब तक तो खैर क्रिकेट वगैरह होता ही रहता था, जब कांग्रेस वगैरह गवर्नमेंट रहती थी वो सब तो ये लोग तो उसके बाद भी क्रिकेट मैच खेलते ही रहते थे। लेकिन इसके बाद जो गवर्नमेंट जो चेंज हुई तो और अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है कि अमित शाह जी का बेटा भी जो है बीसीसीआई में बोर्ड में है, तो ये लोग तो फिर तो इन लोगों को ये लोग क्या खाली ये भी लोग भी वही इलेक्शन के टाइम ही इनको नजर आती है देशभक्ति, क्या कहते हो? इस क्वेश्चन का जवाब बहुत काफी काफी मुश्किल है इसका जवाब देना। अभी जो ये देशभक्ति की बात है इसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अब पता नहीं कि देशभक्ति लोगों में कब जागरूक होती है कब जागरूक नहीं होती है, इसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। पर अभी के हिसाब से कि ये मैं कह सकता हूँ कि कुछ लोग जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच बॉयकॉट होना चाहिए, उसको देख के मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जो उन लोगों की जो पेट्रियटिज्म है वो बुझी नहीं है और वो भी इलेक्शन की वजह से नहीं आई है। हाँ ये बात तो है क्योंकि लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच होना नहीं चाहिए। एटलीस्ट जहां तक आईसीसी की बात है तो मैं कहता हूँ कि चलिए ठीक है आपका है तो एटलीस्ट इंडिया में नहीं है, मतलब कहीं और करा लो मुझे प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन इंडिया में एटलीस्ट मत कराओ। और इंडिया की और पहली चीज तो यही, ये तो वर्ल्ड कप की बात हो जाती राइट, और दूसरी बात यह है कि इंडिया को तो कोई क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ वैसे भी ऑफिशियली जो है बीसीसीआई को एटलीस्ट अपनी तरफ से कोई ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि ये लोग ये सब जो कैरेट एंड स्टिक की जो पॉलिसी लगाते हैं जो पाकिस्तानीज हैं कि एक तरफ ये भाईचारा करते हैं तो चार लोग इंडिया में जो है रहते हैं वो पसीज जाते हैं तो गीले हो जाते हैं झटके में और पलट के अपनी बेली खोल के दिखाना शुरू कर देते हैं लो भाई, और फिर उसके बाद एक तो ये रहता है इसके बाद दूसरे दिन जो है कहीं और जो है वो दुश्मन है, हाँ ये दुश्मन है हमारी दुश्मन कौम है हमारा पड़ोसी हमारा दुश्मन है तो हम ही दुश्मन हैं, हम ही से इनको सारी जो है मेडिसिन लेनी है, हमसे ही इनको खाना खाने के लिए लेना है, हमसे ही पैसे कमाने हैं, मतलब ये सीन क्या है, मतलब ये इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी बिल्कुल कहना चाहूँगा। इतना हमारी मतलब इतनी बैड माउंटिंग हमारी देश के खिलाफ हुई है काफ़ी हुई है वो भी पाकिस्तान साइड से, बट हम ये सब इग्नोर करके इसलिए हम अपने पड़ोसी मुल्क की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग एक चीज़ का सीरियसली लेते हैं वो है अतिथि देवो भव, जो भी हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं उनकी हम अच्छे से खातिरदारी करते हैं और उनको हम एक भी शिकायत आने का मौका नहीं देते। अब जैसे कि अभी एक मैंने ट्वीट भरा था जिसमें कि जो पीसीबी का जो चेयरमैन है जाका अशरफ, जिसने मतलब दो साल पहले मतलब लेके चलो कुछ महीने पहले उसने बोला था हमारे इंडिया को बुलाया था दुश्मन मुल्क, बट अभी एक न्यूज़ आई कि बीसीसीआई उसके लिए एक डिनर होस्ट कर रहे हैं उसके ऑनर में, सोचो बताओ। और तो ये लोग मतलब ये नहीं सोचते कि मतलब कौन दुश्मन है कौन वो नहीं, इनके लिए बस इनके लिए जैसे भी हो बस पैसे बनने चाहिए। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि ये बीसीसीआई में खुद अभी बहुत करप्शन आ चुका है ये लोग, क्योंकि कोई भी बॉडी जितना ज़्यादा पैसा बनाती है राइट तो उतना दूसरे लोगों को खाने का भी तो जुगाड़ बनता है, तो क्लियरली जो है कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसके बारे में कोई हम लोग इतना
जानते नहीं हैं। और जहां तक क्रिकेट की बात है, अभी क्रिकेट में भी आ जाते हैं। अभी देखिए कुछ दिन पहले मैथ्यू हेडन का भी कोई स्टेटमेंट आया था ना, क्या कि कुछ तो अल्लाह और इस्लाम उस्लाम को लेकर मैथ्यू हेडन का वो वहां पे वो गया है, वहां कोच कोच बना हुआ है, तो वो उसको भी ये लोग इस्लाम उस्लाम करवा रहे हैं बैठ के। मतलब सबसे इस्लाम इस्लाम करवाते रहते हैं और सारा इस्लाम जो है खाली बातों में रहता है, जब करने की बात आ जाती है तो उस टाइम पे कुछ नजर नहीं आता है, वो खाली बातें बड़ी बड़ी होती रहती हैं कि हमारा इस्लाम और हम जज्बे वाली कौम हैं, पर वो जो जज्बा रहता है वो कभी नजर नहीं आता कहीं से भी। कभी कभी किसी से मार खाना, अभी मतलब जो है इनका इनको टीटीपी से मार खाना बाकी था, वो तो टीटीपी से रोज मार खा रहे हैं। अभी टीटीपी से मार, क्रिकेट हो चाहे वो क्रिकेट हो चाहे बैटलफील्ड हो, हर जगह ये लोग बस मार खाते हैं घूम घूम के। पर अभी भी मतलब जो अब ये लोग, लेकिन मुझे समझ में अभी भी नहीं आता है मतलब कि, और ये जो इंडियन क्रिकेटर्स है, कभी तुमने नोटिस किया है कि ये सारे इंडियन क्रिकेटर्स और ज्यादा भाईचारा घूम घूम के दिखाते हैं उसमें, कि गले मिल लेते हैं और अपने घर में इनवाइट कर लेते हैं और डिनर विनर करते हैं, चलो आओ। और फिर कितने तो इंडियन शोज थे जो इन लोगों को बुलाया करते थे, राइट। तो मतलब बॉलीवुड का भी प्रेम कुछ समझ में नहीं आता है इस चीज को लेकर। बिल्कुल। और एक तो आप ये भी कह सकते हो कि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, तो इसको क्रिकेटर्स काफी सीरियसली लेते जरूर है। अच्छा, ये लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, खाली जो फील्ड में बस मां बहन करते हैं, बाकी कहीं और नहीं करते हैं। मतलब लोग क्रिकेटर्स तो खुद कहते हैं कि इतनी नोक झोंक तो चलती है, सुलह भी हो ही जाती है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब जेंटलमैन्स गेम ऑफ द फील्ड, नॉट ऑन द फील्ड। अच्छा, ओके। मतलब चलो जेंटलमैन्स गेम भी बात समझ में आ जाती मुझे, चलो ठीक है, वो करना भी नहीं चाहिए एक तरीके से तो, पर जो है, बट फिर भी यार मतलब दुश्मन कहते एक, एक मतलब कोई आदमी आपको एक कंट्री को दुश्मन बोल दे तो मेरे ख्याल से तो भाई दुश्मनी फिर निकालनी चाहिए ना। जब कोई ओपनली दुश्मन आपको बोले तो चलिए बात समझ में, फिर तो दुश्मनी निकाली जाए। अब जैसे चाइनीज है, चाइना इज अ बिगर थ्रेट टू इंडिया देन एनीथिंग एल्स, ठीक। पर चाइनीज कभी भी ये नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट्स कभी नहीं देते वो लोग। हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा एक राइवल की तरह से एक दो स्टेटमेंट बीच बीच में देते रहते हैं और अपनी वो बीच बीच में फंडे लगाते रहते हैं, लेकिन कभी भी वो ये लोग ओपनली चाइनीज ये नहीं कहते कि हमारा दुश्मन कंट्री है। हाँ, इनफैक्ट तुमने नोटिस किया होगा कि जो काफी जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं एक दो इन द पास्ट, जो है जिन्होंने एके एंथनी थे जो रक्षा मंत्री बने थे काफी पहले, तो एके एंथनी ने एक बार ऐसे ही चाइना को बोल दिया था ओपनली, चाइना हमारा दुश्मन मुल्क है, सबसे बड़ा थ्रेट चाइना है, काफी बवाल हो गया था उसको लेकर। फिर राजनाथ सिंह ने भी बीच में बोला था, लेकिन वो लोग भी मतलब इस तरीके के फ्रिवोलस स्टेटमेंट्स जो है नहीं पास करते जिस तरीके का पाकिस्तानी करते हैं। और अभी तुमने देखा ही होगा कि ये लोग क्रिकेट मैच था तो क्रिकेट मैच में इनको बुलाया गया, तो ये लोग क्या प्राइवेट जेट में ले जाया जा रहा था, उसके पीछे कहानी तुमको पता है क्या? ये क्या प्राइवेट जेट? हाँ, प्राइवेट जेट में लोगों को इनको प्राइवेट जेट में घुमाया जा रहा था और कहीं पर ले जाया जा रहा था प्राइवेट जेट में इनको, अपने कंट्री में जो है वो हीरो साइकिल नसीब नहीं होने वाली होती है, लेकिन वहां पे प्राइवेट जेट मिला हुआ है। इनका खुद का जो प्राइम मिनिस्टर होता था उसको जो है कभी मलेशिया वाले कभी सऊदी वाले रुकवा के कहते थे पहले पैसा भरो। और इन लोगों को प्राइवेट जेट दिया जा रहा है कि ये लोग घूमेंगे, देख रहे हो मतलब। तो मतलब तुम्हारा क्या है? हाँ, करे क्या अपने देश को, पाकिस्तान के हालात में भी तरस आता ही है। आपको बताइए पाकिस्तान में फ्यूल का प्राइस क्या है और इंडिया के कंपैरिजन में देखिए, वहाँ पाकिस्तान के लोग आटे की लाइन के लिए खड़े रहते हैं, यहाँ तो इनको मुफ्त की रोटी मिल रही है। हाँ, कुछ किसी ने तो ये भी पोस्ट किया था अभी कुछ समय पहले कि आगे खाना खाने के लिए वहाँ खाना मिल नहीं रहा था। किसी ने ये भी पोस्ट किया था, मैंने कहीं देखा था, मैं ट्विटर पे देख रहा था तो उस पर किसी ने पोस्ट किया था कि ये देखो आगे खाना खाने के लिए इनको अपने कंट्री में इनको खाना भी नसीब नहीं होता है, और यहाँ पे आके मटन बिरयानी की मांग कर रहे हैं।
इन लोगों का मतलब कुछ चक्कर समझ में नहीं आता मुझे तो। और जो है तो अभी कोई नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इस चीज में लेके आगे? इसके डेवलपमेंट्स को लेके तो अब मुझे लग रहा है कि काफी लेट हो चुका है। अब अभी सुबह के 2 बजे इंडिया पाकिस्तान का मैच तो होने ही वाला है, तो अब जितने भी बॉयकॉट के लिए हम जो हैशटैग्स कर रहे थे ट्विटर पे हमने रेज किए हैं, उसका अब कोई फायदा तो है नहीं। और क्योंकि चलो ये लेके भी चलते कि अगर ये भी पॉसिबिलिटी होती कि बीसीसीआई कैंसिल करते मैच, पर एक तरह से लॉस भी हमें कोई हमको ही होता, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच एक तो हमारी तरफ से इंडिया की साइड से फोरफीट हो जाता, तो दैट वुड बी काउंटेड एज अ लॉस फॉर अस। एंड सेकेंड राइट की भी और सेकेंड बीसीसीआई को भी काफ़ी रेवेन्यू लॉस होता, फॉर मतलब फॉर एक तो स्टेडियम्स के लिए होता, फॉर सेलिंग ऑफ द टिकट्स एज वेल एज जो इन्होंने एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट साथ में केटरिंग के साथ होटल्स के साथ जो इन्होंने कराए हुए एक्सचेंज, उनका फिर रीपेमेंट करना तो पड़ता ही है। हाँ, ये बात तो, ये पॉइंट तो तुम्हारा काफी ये सही बात बोल रहे हो। वैसे तो बॉयकॉट, मैं तो बॉयकॉट वगैरह करने के लिए तो मैं इतना कभी मैं इतना बड़ा फैन रहा नहीं हूँ बॉयकॉट वगैरह का, कि चल के अब जो चीज़ एक बार स्केड्यूल हो गई है उसको जबरदस्ती बॉयकॉट कराने का कोई मतलब मुझे नहीं समझ में आता एटलीस्ट। बट ये जो आज की जो डिस्कशन मेरा, लेकिन मेनली इस बात से है ना कि इसको नेचुरली लोगों को जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और इसको लोगों को नेचुरली ही जो है इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए कि यार तो हमारे यहाँ लोगों को मार रहे हो, हमारे सोल्जर्स को मार रहे हो, हमारे लोगों लोग मरते हैं कश्मीर में, कितने लोगों की जाने जाती हैं। तो उस वजह से मतलब अगर ऐसा है तो बीसीसीआई से लेके हर किसी को, इनफैक्ट बीसीसीआई अगर नहीं करती तो क्रिकेटर्स को कहना चाहिए कि यार नहीं, हम इनके साथ जो है ऐसा कुछ करेंगे नहीं। तो बिल्कुल हाँ, और गाइस अभी जो है ऋषित को थोड़ा कुछ देर के लिए ऑफलाइन होना है, बट तो हम लोग तब तक बात करते रहते हैं। और इधर जो है अभी ये सब जो चीजें हैं बीसीसीआई को, मतलब मेरा जो जो मेन पर्पस है आज की इस पॉडकास्ट का, वो ये है कि लोगों को चाहिए कि नेचुरली ही इस बात को समझें कि भाई आपका जो एक एनिमी है, जो आपको ओपनली एनिमी बोलता है, आप कैसे उसको कहेंगे कि ये हमारा फ्रेंड है? नहीं, एनिमी नहीं, हमारा फ्रेंड है, राइट? और आप लोगों को, उनको, इनके यहाँ के लोगों को बुला बुला के आप लड्डू पेड़े खिला रहे हैं, अपने यहाँ चिकन बिरयानी मटन बीफ दे दो, मतलब कुछ तो मेरे ख्याल से शर्म होनी चाहिए आई गेस, या सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए, या कुछ नेशनल प्राइड होनी चाहिए। इसराइलीज या ये लोग तो नहीं करते, इनको जिसने एनिमी बोल दिया वो एनिमी बन गया, चलिए ठीक है, हम नहीं करेंगे आपके साथ कुछ भी। तो ये जो एक बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब कितने लोग मारे गए हैं, अब देखिए ना, उरी से लेके अनंतनाग में, अनंतनाग में जो हुआ उसमें जो सोल्जर्स मारे गए, फिर हमारा एक पुलिस ऑफिसर मारा गया। अब यही सब बातें ना, जैसे लोग, काफी लोग जो टेररिस्ट टेररिस्ट अटैक हुआ तो उसको कह देते हैं कि अरे हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। बट जो जो भट्ट थे, क्या मुसलमान ही तो था ना बंदा, वो जो मारा गया वहां पे, वो क्या पागल था क्या कि जो अपनी जान दे रहा था वो भी चाहता तो वहां बैठ के अल्लाह वो कर अपनी जान बचा के रह सकता। कितने ऐसे मुस्लिम सोल्जर थे जिन्होंने अपनी जानें दी हैं। तो ये सब जो बातें हैं कि आ, आ, जो मुस्लिम कार्ड वार्ड जो खिलवाया जा रहा था, जाता है इंडिया में, ये सब चीजें या तो वो पॉलिटिकल होता है या काफी कुछ जो है वो पाकिस्तान से आता है, ताकि लोग अंदर डिवाइडेड जो है बने रहें। इस तरीके से जो वीक लिंक्स हैं सोसाइटी में उनको यूज किया जाता है। बट अब जैसे शाहिद अफरीदी को ले लीजिए, इनके यहाँ पाकिस्तान का ये क्या था, अभी कुछ समय पहले आता था इंडिया आके क्रिकेट खेलता था, आईपीएल वगैरह में भी खेला है, और पैसे जब बना लिए तो ये जाके सीधा पहुंच गया उधर। लास्ट वर्ल्ड कप में जब देखिए ना क्या था, ये शोएब अख्तर था, यही था शोएब अख्तर, ये जो है इंडियन टीम को तुरंत फटाफट मौका मिला था इसको, तो इसने गालियां देना शुरू कर दिया था। और जब इसकी टीम खुद वो हो गई तो कहता है कि नहीं आइए, हम लोग, हम सब लोग मिल के मनाते हैं कि पाकिस्तान जीत जाए। क्यों मनाए बे, जीत कैसे जाए, मैं तो मनाता हूँ हर तो मैं हारो साले, तुम लोग कभी ना उठो, हारते रहो पूरे टाइम, क्योंकि तुम लोग जब भी थोड़ा सा भी जीतोगे या उठोगे तो
उछलते रहोगे। वो जैसे नहीं इमरान खान की टीम ने 1992 वर्ल्ड कप जीत लिया था, इवन दो इमरान खान ने उस वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं किया था, बट इन लोगों ने क्या किया कि हमारा प्राइम मिनिस्टर तो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, अभी देखो कहाँ है, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है इनका, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन अभी नजर नहीं आ रहा है। तो ये सब यही सब चीजें हैं, और मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि बॉयकॉट वॉयकॉट तो ये सब कहने की बातें, फालतू के फंडे हैं, लेकिन जो भी है ये एक नेचुरल स्टांस होना चाहिए लोगों का इंडिया की पब्लिक का, कि हमारा ये दुश्मन है तो हम इसको सपोर्ट नहीं करते। नेचुरली ही आप बीसीसीआई बोलिए, बीसीसीआई को, बीसीसीआई जो है वो साफ साफ बोली कि नहीं हम नहीं खेलेंगे। इंडियन क्रिकेटर्स को कहना चाहिए कि हम नहीं खेलेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से शायद उनकी भी अपनी मजबूरी होती है, शायद सर्टन रूल्स हैं कि हाँ भाई यू हैव टू साइन, व्हेन यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट देन यू हैव टू अबाइड बाय इट, राइट। तो मेरे ख्याल से शायद कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, अगर काफी लोग नहीं भी चाहते हैं तो भी उनको जो है ये करना पड़ता है। और फिर ये भी होता है थोड़ा सा कि विद इन द टीम जो है कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स थोड़ा पाकिस्तान के साथ भी होंगे, तो अगर आप जो है ओपनली पाकिस्तान की टीम को मतलब अगर उस चीज को अगर आप पॉलिटिक्स से रिलेट करते हैं तो फिर इंडियन टीम में भी दरार खुद भी पड़ सकती है, राइट, क्योंकि आपके पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं देन दे विल स्टार्ट टू शो अप इन द गेम टू। तो ये सब जो है मेरे ख्याल से यही ये सब कुछ एक रीजंस हैं जो कि मतलब जिसकी वजह से भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये इनको खेलना पड़ता है क्रिकेट जो है। तुम्हें क्या लगता है जैसे जो है कि मतलब क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से जो इंडियन प्लेयर्स हुए या फिर बीसीसीआई हुआ ये लोग क्रिकेट इनको पाकिस्तान के साथ खेलना पड़ता है रिगार्डलेस ऑफ द व्हाट एवर द पॉलिटिकल सिचुएशन इज एट द बॉर्डर और बिटवीन द टू कंट्रीज। तुम्हें क्या लगता है मतलब क्या रीजंस हो सकते हैं? I would like to apologize to everyone for like coming back late. No, it's okay. You're fine. Mm-hmm. And thank you for taking on my absence. So, इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि अब ये है कि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो इंडिया को तो खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जैसे मैंने कुछ प्लेयर्स की बातें सुने हैं कि जो क्रिकेटर्स है पाकिस्तान क्रिकेटर्स जो है उनका कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, उनका टेररिज्म के साथ कोई लेके देना नहीं, उनका ये कहना है। और एक तो ये कह रहे हैं कि ट्विटर पे भी मैंने सुना है कुछ लोगों को कहते हुए कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन, तो उसकी सजा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को क्यों मिल रही है? हाँ, तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को क्यों मिल रही है, लेकिन यही पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही तो हैं, जो शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, इमरान खान, सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही तो हैं जो जा के बड़े बड़े डायलॉगबाजी करते रहते थे, राइट। अभी कुछ दिन पहले तो शाहिद अफरीदी था, नहीं शाहिद अफरीदी जो बड़े बड़े डायलॉग्स मार रहा था कि हम कश्मीर लेके रहेंगे, आजादी में लेके रहेंगे, पता नहीं क्या क्या कुछ तो बोलता रहता था, राइट। आप इसका तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये जो तीन क्रिकेटर्स आपने नाम जिनका नाम लिया आपने ये सब तो गरम खून के क्रिकेटर्स ही है। और ऊपर से भी एक बार ये पॉलिटिक्स में आते हैं तो जो सीधे सीधे क्रिकेटर्स होते हैं उनका भी मानसिक संतुलन तो बदल ही जाता है एक पल में, पता भी नहीं लगता है कैसे जज्बात बदल जाते हैं एक सेकंड में। मुझे सच बात बोलूं मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी भी पाकिस्तानी का मानसिक संतुलन कभी भी सही नहीं रहता है। मुझे लगता है इन सबका मानसिक संतुलन ऊपर से जिस दिन पैदा होते हैं उसी दिन से हिला डुला रहता है, और कुछ समय के बाद मदरसा और ये सब करते 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 वो सारा का सारा मानसिक संतुलन जो है और खराब हो जाता है, और क्रिकेट आते आते तो फिर तो बाकी छोड़ ही दो। और क्रिकेट में भी ये कभी कभी तो ये भी लगता है मुझे कि गिव टेक जो है मेरे ख्याल से अगर देखो तो इनके पास गिव टेक एक ही चीज बची है करने के लिए, जिसको कि ये जो कहते हैं ना फेदर इन द कैप करके, राइट,
तो इनके पास एक चीज है जिसमें इन्होंने थोड़ा मैं कहूंगा कि हाँ अच्छा किया है, ये मैं मानता हूँ कि भाई 1992 वर्ल्ड कप जीता है और एक टाइम था पाकिस्तान की टीम कभी अच्छी हुआ करती थी, ये मैं मानता हूँ। मैं वसीम अकरम की बड़ी रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं सईद अनवर की बड़ी रेस्पेक्ट करता हूँ एज ए प्लेयर, पर दुश्मन बोल दोगे तो फिर कोई रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट नहीं है, फिर तो मैं सीधा माँ बहन ही करता हूँ लेकिन और फिर और भी काफी प्लेयर्स थे इनके जो काफी अच्छे थे उस टाइम, बट इन दो की काफी रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन वही है कि तो मेरे ख्याल से इनका जो एक क्रिकेट ही ले दे के एक चीज हो बची, क्रिकेट और एक एटमी ताकत है ये तो तो ये तो थोड़ा सा रहेगा। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, अच्छा चलो वो चलो अभी पॉलिटिक्स के बारे में मेरे ख्याल से काफी हो गया है क्रिकेट और पॉलिटिक्स का, अभी ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा इसको, क्योंकि मैंने क्रिकेट काफी समय से ट्रैक नहीं किया है तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। सच बताओ वैसे तो मैं भी क्रिकेट मैचेस इतने देखता नहीं हूँ, पर अंदाजे के साथ तो कह ही सकता हूँ इंडिया जीतेगी। अच्छा मुझे भी लग रहा है क्योंकि ये, हाँ बोलो बोलो। एक तो वजह ये है कि वहाँ पे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इतना अच्छा खाने को ज्यादा खाने को मिलता नहीं है, तो यहाँ पे ठूस के इन्होंने पेट इतना ऐसे भर दिए कि उनको भागने दौड़ने में मुश्किल हो जाएगी। मतलब इतना बीफ खा लेंगे, इतना बिरयानी खा लेंगे कि वो फील्ड में जो है उबासी लेंगे, कैसे करेंगे बिल्कुल बिल्कुल वो कौन सा प्लेयर था याद आ रहा है तुम्हें, कौन सा वो प्लेयर था इनका जो फील्ड में उबासी ले रहा था उसकी उसकी किसी ने फोटो उठा ली थी वो सरफराज था, सरफराज यस, ये सरफराज अहमद यस और उसके बाद और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हार गया पाकिस्तानी मीडिया ने जो वो उबासी वाली पिक्चर को लेके सरफराज की बैंड बजाई है तो अच्छा तो ये तुम्हारी थ्योरी ये कहती है कि ये लोग खा के अभी अभी इनकी टीम में बॉलर कौन है, कुछ कोई आइडिया है तुम्हें कोई बॉलर वाला बॉलिंग अब? हाँ ऐसे तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है इनका तो मैं इतना फॉलो तो करता नहीं हूँ, माय बैड। अब मुझे लग रहा है तूने ऑलरेडी बॉयकॉट कर रखा है लोगों को बिना कहे ही, मतलब जो है वो प्री ऑर्डर कर दिया इसको तुमने एडवांस बुकिंग कर दी है उसके बॉयकॉट की, जो है कुछ नहीं मैं दो टिकट एक्स्ट्रा खरीद किसी और को दे दूंगा लेकिन इसको देखने नहीं जाऊंगा और अब क्या? वैसे तो बॉलर्स तो इनके दो है, शाहीन है, शाहीन अफरीदी आप कह सकते हो, और हरीश रॉफ है। अच्छा तो शाहीन अफरीदी का नाम मैंने सुना है, वो लास्ट वर्ल्ड कप में भी था और हाँ, पर बॉलिंग तो ऐसे कर रहा था जैसे वो कुछ खाने को नहीं मिल रहा है बट अभी मेरे ख्याल से चिकन बिरयानी मिलेगी तो शायद जो है, लेकिन वो भी तुम सही कह रहे हो, मुझको लगता है उसमें लोग नींद की गोली वोली डाल देंगे कुछ तो कुछ मुझे लग रहा है कि अगर पाकिस्तान हारता है तो पाकिस्तानी मीडिया कुछ ना कुछ उसमें ऐसा कह देगा कि ये भारत की ये यहूदियों और हनुदों की साजिश है, इसमें भारतीय टीम ने इसमें कुछ जमाल गोटा मिला दिया था और नींद की गोलियां मिला दी थी कुछ तो ऐसे करके डाल देगा, तो हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दस्त आ रहे थे और ये जो है मुझे लग रहा है कि लोग कुछ नींद की गोलियां डाल देंगे, सबके सब सोएंगे वहां पे उबासी लेंगे फील्ड में खड़े होके और जैसी नींद खुलेगी देखेंगे तो बोले सिक्योरिटी गार्ड बोलेगा सर क्रिकेट का मैच खत्म हो चुका है, स्टेडियम बंद हो गया। अच्छा ताला लग गया। अब ये बताओ मुंह छुपा के निकलने का कोई तरीका यहाँ से
कोई बात नहीं सर, आप लोग तो बुर्का भी पहनते हैं, बुर्का पहन के निकल लीजिए क्या है। खवातीन बन के देखना, आपको यही क्रिकेटर्स बुर्का पहनते हुए कनॉट प्लेस पे घूमते हुए मिलेंगे। कनॉट प्लेस पे हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। कनॉट प्लेस में वो क्या कहते हैं, मीरागंज में जो है बुर्का पहन के पहुंच जाए वहां पे मुंह छुपाते हुए कुछ ना कुछ मौज लेने के लिए कि चलो भाई रेड लाइट एरिया में थोड़ा चला जा, आराम लिया जा, हमारे यहाँ तो सब बैन है आजकल। हमारे यहाँ चूंकि सब बैन है तो चलो भारत में ही चल के कुछ मजा लेते हैं। ये लोग शायद बुर्का पहन पहन के पहुंचेंगे उधर कुछ करने। हाँ, और चिकन बटन दबा के खाने के लिए जो है, और हाँ जामा मस्जिद जाए खुशी खुशी, जामा मस्जिद में ही मिलता है नॉनवेज, कितना कुछ खाने को। हाँ जामा मस्जिद में तो मतलब अब मैं क्या बताऊँ, मतलब क्या क्या खाने को मिलता वहां पर, तो कि लिस्ट निकालने निकाली जाए तो मेरे ख्याल से वहां पे कितने लोगों को तो मतलब लोगों को खिलाना पड़ जाएगा। जो वहां के काम करने वाले लोग हैं इनको जो है बहुत कुछ खिलाना है, अभी हमें भी बहुत कुछ इनको खिलाना है, लेकिन क्या किया जाए, हम लोग सेकुलर मुल्क में रहते हैं ना तो खिला नहीं रहे। हाँ नहीं तो और हम खिला देंगे तो फिर ह्यूमन राइट्स वाले दौड़ते हुए आ जाएंगे, दौड़ते हुए आ जाएंगे। वो मुंह खोले खड़े रहते हैं, वो लोग भी उबासी लेते रहते हैं, नहीं तो खड़े रहते हैं, अच्छा मौका मिला है चलो हमें अपनी यूजफुलनेस दिखानी है। वो खाली ऐसा रहता है ना, बेरोजगार बैठे रहते हैं और जब कैसे अपनी यूजफुलनेस दिखाई जाए, और इसके बाद जो है जब पहुंच जाते हैं। हाँ तो अभी देखो क्रिकेट में आज क्या होता है, अभी तो आई थिंक अभी मेरे पास तो कुछ खास ऐड करने के लिए भी पॉडकास्ट में इसमें है नहीं, और हाँ अगर तुम्हारे पास है तो फील फ्री टू डू सो। अभी तो इतना तो मेरे पास भी ऐड करने के लिए कुछ है नहीं, बट हमें तो जितना पता है कि अब जो ओपिनियंस है दोनों डिफरेंट ओपिनियंस है। एक तो कोई कहता है कि मैच अच्छे से हो जाए, इंडिया पाकिस्तान को हराते, दूसरा तो बॉयकॉट चाहते हैं आउट ऑफ पेट्रियटिज्म, आउट ऑफ अ सोल्जर्स लाइफ, हु मतलब सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी थी अनंतनाग में टेररिस्ट के हाथों। और अभी तो एक ये भी था कि अपने इंडिया की बैड माउथिंग काफ़ी हुई थी। एक इंस्टेंस तो अभी आया था जनाब अब्बास करके, जो जर्नलिस्ट थी फॉर पाकिस्तान, जिसको इंडिया बुलाया था कमेंट वो करने के लिए, क्रिकेट मैच मतलब एज अ क्रिकेट मैच की कमेंट्री के लिए बुलाया था, बट उसको फिर वापस जाना पड़ा क्योंकि उसने एंटी इंडिया और एज वेल एज एंटी हिंदू रिमार्क्स उसने डाल लेते, और फिर वो चली गई थी वापस ही। उसने बोला कि उसने भी माफ़ी भी मांगी थी, उसने अपने पहले के ट्वीट्स भी डिलीट किए हुए थे, पर उसने फिर एंड में ये डाला कि शी फील थ्रेटन्ड एंड वल्नरेबल, तभी वो वापस गई है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इफ़ शी इज़ ट्राइंग टू गार्नर सिंपैथी फ्रॉम द पीपल स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान सिटीजंस और नॉट। ये तो मतलब अगर थ्रेटन और यही तो चीज है, यही पे प्रॉब्लम है ना कि मतलब इनसे ये थ्रेट और ये सब। देखो भाई जैसा अभी हम लोग कुछ देर पहले यही बात कर रहे थे ना कि इनको तुम कितना भी करोगे अल्टीमेटली ये लोग भी वही हमास वाली स्टाइल में है, कितना भी करोगे ये कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, नो मैटर व्हाट, कितना भी उसे बोतल में डालो सीधी नहीं होती। तो इन लोगों का भी वही है, ये एक इनका ये टेक्स्ट बुक जो है पैटर्न है कि मतलब कुछ भी बोलो इसके बाद जो है आई फेल्ट थ्रेटन्ड एंड आई फेल्ट वल्नरेबल, तो इसको जो है फिर ह्यूमन राइट्स वाले जो बेरोजगार बैठे हैं वो दे विल टेक अ नोट ऑफ इट, और फिर वो जो है उस पर अपने अपने जो है कुछ लोग कहीं इनके दूर दूर कहीं पे आर्टिकल लिखने वाले भी बैठे होंगे तो वो भी आर्टिकल लिख देंगे। तो ये और दूसरा एक एंगल जो अभी मेरे दिमाग में आया वो ये है कि पहले दिमाग में नहीं था, अभी एकदम फ्रेश आया है, गर्मा गर्म मटेरियल है ये कि, कि, कि ये पाकिस्तानी जो है ये भी चाहते भी होंगे थोड़ा सा कि इंडिया वाले इस तरीके से मना वना कुछ करें तो ये फिर इसको ह्यूमन राइट्स और उस चीज में लेके आए एस आई वाले अपना जाके कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में कहीं आर्टिकल जो आर्टिकल वगैरह छपवाएं कि देखो भारत डर गया, भारत डर गया, भारत में मुसलमानों की हालत ये है। वो तो भारत ने मना नहीं किया था, वो हम ही नहीं गए थे वहां पर, हमें डर लग रहा था।
इसका एक जवाब तो हमारे पास रेडी ही रहता है, अच्छा वो भी आपके वेबकैम में भी दिख रहा है, विजय दिवस। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि कभी किसी पाकिस्तानी जनरल को जो है यहीं पे बुलाऊंगा, उसको पॉडकास्ट एज ए गेस्ट, उसको गेस्ट बुलाऊंगा, सर आपका ये पीछे लगा हुआ मेरा देख रहे हैं, आपको पहचान तो आप गए ही होंगे, आपका इसके बारे में क्या कहना है, दर्द होता है अभी भी कि नहीं होता है? ऐसे मत बोलो, नहीं तो अपने टेबल पे जितने भी पेन्स है वो छुपा के रख देगा साइड में। हाँ वही, अब इनका तो अब ये भी नहीं समझ में आता है, एक तो पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है किस बात की लंबी लंबी फेंकते हैं, और दूसरा पाकिस्तानी जनरल किस बात के तमगे पहनते हैं बड़े बड़े, वो भी मुझे आज तक नहीं समझ में आई। दो बातें मुझे कभी नहीं समझ में आती हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की लंबी लंबी फेंकना और इनकी मिलिट्री का तमगे पहनना, दोनों ही बातें। हाँ तो आई थिंक कि मेरे पास तो अभी इतना ही है जो अभी के लिए, तुम्हारे पास कुछ और है? नहीं अब तो मेरे पास भी कुछ कहने के लिए है नहीं, बट अब जो क्रिकेट मैच हो रहे हैं लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट वी नो दैट इंडिया इज गोइंग टू बीट पाकिस्तान टू डस्ट। यस गारंटीड, वो तो इनके बस का कुछ नहीं है। अब आउटकम देखते हैं कि पाकिस्तान वहां से वापस कैसे निकलेगी। हाँ वो वल्नरेबल निकलते हैं, वल्नरेबल और डरे हुए निकलते हैं कि सर ऊंचा करके निकलते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। All right, Rish. Thank you very much, Rishit. Thank you, Pratik, for bringing me on the show. Sure.